हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जन जन की आस्थाओं से जुड़ा है रामनगर का रामेश्वर धाम। कोरोना काल के बाद 1 मार्च महाशिवरात्रि पर्व पर चारों प्रहरों की महाआरती के साथ होंगे विशेष धार्मिक अनुष्ठान सांडे राव। राजस्थान के कणकण में जिस तरह वीरों की गाथा लोगों में वीरता की भावना जगाती है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों की गाथाएं लोगों की धार्मिक भावना उजागर करती है। राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर जवाई बांध सड़क मार्ग पर रामनगर गांव में अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसा श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में भी ऐसा ही एक धार्मिक एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। श्री राम के नाम से जुड़ा रामनगर और आदिकाल से स्थित एक छोटा सा रामेश्वर महादेव का मंदिर पहाड़ी पर आया हुआ है। इस मंदिर का कोई शिलालेख तो वर्तमान में नहीं है, मगर पूर्वजों के अनुसार यह शिवालय त्रेता युग में श्री राम अवतार के पूर्व समय से ही इस पवित्र भूमि पर स्थित है। सुमेरपुर तहसील के रामनगर गांव में स्थित श्री रामेश्वर महादेव मंदिर पर अब तक कई संत महात्मा आए तथा गए, जबकि स्थानीय रहने की हिम्मत अभी तक किसी में नहीं जुटाई। गांव के लोग भी अक्सर यहां आकर पूजा करते थे। अब यहां पर करीब 25 वर्षों से जूना अखाड़ा के नागा सन्यासी संत श्री मनसुख हीरापुरी महाराज यहां पर स्थानीय रूप में अपना डेरा लगाए हुए हैं। संत के यहां पर नियमित पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं भक्तों का इस मंदिर की तरह रुझाना बढ़ने लगा है। संत हीरापुरी ने इस मंदिर पर हरिओम आश्रम के नाम कुटिया बनाई तथा मंदिर का विस्तार करवाकर गांव के लोगों में तथा बाहर से आने वाले संत के शिष्यों व भामाशाहों का सहयोग लेकर इस पहाड़ी पर सुंदर बगीचा, कमल कुंड, कबूतर घर, रसोई घर, सत्संग स्थल, स्थान घर, सुलभ शौचालय सहित कई विकास कार्य इस मंदिर पर करवाया है। आगे में इसका विस्तार करने की योजनाएं बनी हुई है। यहाँ पर महाशिवरात्रि, वैशाखी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तथा श्रावण मास में भक्तों का मेला लगा रहता है। रात्रि में भजन कीर्तन भी किए जाते हैं, मानो पूरी नगरी भक्तों की रस में डूबी हो। यहाँ पर शिवरात्रि व चातुर्मास के समापन पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें महारुद्राभिषेक व महाप्रसादी का आयोजन संत श्री मनसुख हीरापुर जी महाराज की पावन निशा में होती है, जिसमें देश प्रदेश सहित स्थानीय रामनगर, अणगौर, गलथनी, कोलीवाड़ा, सोनपुरा, दुधली, बड़गांव, सांडे राव, फालना, सुमेरपुर सहित गाँवों के श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। संत श्री मनसुख हीरापुरी महाराज द्वारा इस मंदिर पर लगातार आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाकर ग्रामीणों को सेवाएं देते हैं। संत अपने हाथों से आज भी प्राचीन काल की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाकर पीड़ित रोगियों को दवाइयां मुहैया करवाते हैं, जिसके ग्रहण करने से स्वस्थ हो जाएं। यह प्राचीन तीर्थ व संत हीरापुरी क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। उसको फलस्वरूप स्थान पर दूर दराज से भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी देने आते हैं। इस हरिओम आश्रम पर संत श्री मनसुख हीरापुरी महाराज द्वारा सभी प्रकार की बीमारियों का निशुल्क इलाज किया जाता है, जिसमें कैंसर, लकवा, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज के रोगियों का गुरुवार की दवाइयों से असर हुआ तथा बीमार व्यक्ति चलते हुए गए। कोरोना लॉकडाउन के बाद महाशिवरात्रि पर भजन संध्या के साथ चारों प्रहरों की महाआरती के साथ होंगे धार्मिक अनुष्ठान। जागरूक टीवी के सांडे राव से खास रिपोर्ट।